बहस की शुरुआत कर लेते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूं तमाम मेहमानों से आपका। अनिला सिंह जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ेंगी। बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं और बीएसपी के सपोर्टर हैं, ये बताना जरूरी है। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिन्दू परिषद है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जय भगवान गोयल जी प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मौजूद है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, आप सभी का पहली बहस में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं कर लेती हूं सैयद यासिर जिलानी साहब से। सैयद यासिर जिलानी साहब, चाहे अध्यादेश आए या ना आए, मंदिर बने या ना बने, माहौल पूरा तैयार है 2019 से पहले? देखिए आप बड़ी पत्रकार हैं, आप इस तरह के सवाल पूछ सकती हैं कि मंदिर बने या ना बने, ये क्या मतलब होता है? मंदिर बनेगा ही, अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप आस्था को इग्नोर कर देंगे? भारत की आप जो पृष्ठभूमि है, आज तक का जो 5000 साल पुराना इतिहास है इस भारत का, उसको इग्नोर कर देंगे? क्या वहां जो जजेस बैठे उनके अंदर भी आस्था नहीं है? मैं बिल्कुल इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं होगा कि वो ठीक है कि आस्था को देख के वो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन के समाज को बांट नहीं, नहीं, नहीं समाज कैसे बट रहा है? सुप्रीम कोर्ट को छोटा कर देंगे? आप ये बताइए मुझे कि समाज कैसे बट रहा है? अगर सनातन धर्म के मानने अगर समाज बट नहीं रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अपना मामला वापस ले रहा है? जमीन के एक छोटे से समाज नहीं बट रहा है, 2.7 एकड़ का एक तिहाई आपको मालूम है, 2 बीघे से भी कम होता है, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कौन लोग लड़ रहे हैं? बट रहा है तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तैयार है सारे लड़ाई लड़ाई जो है इस वक्त जो दो पक्षकार है वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है। हाँ। और इकबाल अंसारी जो दूसरे पक्षकार हैं, उनको लगता है कि अगर वो इस चीज को छोड़ देंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। चलिए मैं कहता हूँ आप ऐसे गिफ्ट कोर्ट को दे दें, जाके कह दे ठीक है लैंड में दे रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद साहब इकबाल अंसारी सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार अध्यादेश लाती है तो उनको कोई एतराज नहीं है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? डरवश दे रहे हैं या उनकी इच्छा है कि अब मंदिर बन जाए? देखिए शोभना जी, पहले तो मैं अपने देश के तमाम मुसलमान भाइयों को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों की कार्रवाइयों के बाद भी, उल्टे सीधे बयान देने के बाद भी देश का मुसलमान खामोश है जी, और इन लोगों की तमाम हरकतों को नोट कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश का मुसलमान बहुत सहनशीलता रखता है और अपने आप में देश की अखंडता और देश की सभ्यता को बरकरार रखने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मंदिर बनवाने के लिए बात इकबाल अंसारी के बयान की, मंदिर इकबाल अंसारी का बयान अध्यादेश पर, पहले मेरी बात था मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद साहब, मंदिर बनवाने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए की बात की आपने? मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ। इकबाल अंसारी का बयान अध्यादेश लाने पर कोई माना नहीं रखता, क्योंकि इकबाल अंसारी को सपोर्ट नहीं करना अध्यादेश को, वो एमपी नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, वो एक पटिशनर है, उनका बयान देना ना देना कोई, उन्होंने तो इसलिए कहा है कि आप राम मंदिर बनाने के लिए सरकार पहल तो करे, अध्यादेश तो लेकर आए, हम उस अध्यादेश का स्वागत करेंगे। ये आप कह रहे हैं तो आज हमारे टेलीविजन पर, हम इस बात को नोट कर रहे हैं। कौन सी बात है? ये बदलाव है, सबसे पहले ये बात कह रहे हैं, ये बदलाव है या डर है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बदलाव है, ये उनकी समझ है, ठीक है, जो गंगा जमुनी तहजीब को हमारे साथ रखना चाहते हैं। क्या बदलाव है? क्या बदलाव है? और क्या बदलाव है? अरे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अध्यादेश को सपोर्ट करेंगे, आप जब तक कहते हैं नहीं करेंगे, ये बदलाव बताइए ना, क्या ये बदलाव और अच्छी बात है, आप इसे इग्नोर ना करें। मौलाना साहब करने वाला, अरे आप देखिए आपके फॉलोअर्स हैं, आप विरोध करते हैं, आप जो मैसेज देते हैं अपने फॉलोअर्स को वो गलत जाता है। आज आप संदेश बहुत अच्छा दे रहे हैं हिंदुस्तान को, आज आप हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता
जिस समाज की आप बात कर रहे हैं पहली बात मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यासिर जिलानी साहब अगर एक एक कर बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। बहुत गंभीर मसला है, लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, दोनों ही समुदाय के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। विजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। विजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके साथ कोई मेहमान भी मौजूद है, हमारा तारुफ कराइए और हमारी बात कराइए उनसे। आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। अरे मौलाना साहब अभी बिल्कुल शोभना, मैं बता दूं कि इस समय मैं निराला नगर में हूं और भैया जी जोशी जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और लगातार बैठ के चल रही है, और मेरे साथ जितेंद्र शुक्ला जी हैं जो कि सह प्रचारक हैं। अंदर किस तरह की बातचीत हुई है उन सभी चीजों को लेकर के यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जितेंद्र जी, किस तरह से अयोध्या का प्रोग्राम अभी बना है SMS के जरिए, क्या क्या कार्यक्रम आप लोग के तैयार हुए? हम लोगों के कार्यक्रम में तैयार हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अयोध्या में लोगों को ले जाया जाए और सरकार पे दबाव बनाया जाए अध्यादेश लाने के लिए। सरकार आप ही की ये दबाव क्या हो सकती है आप लोगों की लगभग जो संख्या की लोगों की 40 से 50 हजार के बीच में अभी लखनऊ से लोगों का SMS आया है और 50 हजार 40 हजार के बीच में जाने की संभावना है। जोशी कब तक जाएंगे अयोध्या? कल शायद 12:30-1 बजे यहाँ से निकलेंगे। विजय, इन साहब से कहिए कि सरकार तो आप ही की है साहब, आपको दबाव बनाने की क्या जरूरत है? जो आप कहेंगे वो सरकार करेगी। सरकार बनाना और चलाना तो सब पर्दे के पीछे आती है। ये सवाल वहां से आ रहा है, कई सारे मेहमान बैठे हुए हैं और खुद हमारे एंकर जी पूछ रही हैं कि सरकार तो आप ही लोगों ने बनाई, सरकार आप ही की है, तो अब सरकार पर कैसा दबाव? हम सरकार पर दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है इस जनवरी और दिसंबर तक आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे आए थे कि जनवरी से लगातार सुनवाई चलेगी आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इंतजार करते करते देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे मजबूर कर देगी? रुके रहिए, ठीक है विजय, ठीक है विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहमान से हमारी बात कराने के लिए। और विजय शंकर तिवारी जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। RSS कह रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे। अब ये सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है सर, या माहौल बनाया जा रहा है 2019 के लिए, वो आपसे समझना चाहेंगे। तो शोभना, कानून संसद के अंदर बनता है जी, और कानून बनाने वाले सांसद होते हैं। सांसदों की एक प्रतिबद्धता होती है, प्रतिबद्धता होती है तो बिल के पास आते हैं, उसको पास करते हैं, नहीं होती तो नहीं पास करते हैं। ये संतों ने एक सारी बात उन्होंने बोल दी, संतों ने जब ये तय किया कि देश भर में बड़े बड़े सम्मेलन हम करेंगे और ये तय करेंगे कि देश भर का जो हिंदू जनमानस है, जो राम भक्त हैं, उनके मन में है कि ये जल्दी बने, ये शीघ्र बने, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कानून एक वो रास्ता है, संसद वो रास्ता जिससे ये बन जाएगा। तो लेकिन कैसे बनेगा जब सांसद कहेंगे? सांसदों के ऊपर जब तक दबाव नहीं होता, वोटों की राजनीति है, सीधे सीधे आप उसको घुमा फिराकर नहीं किए, वोटों की राजनीति है। वोट जहां से कटेंगे या वोट जहां से मिलेंगे उसी पर आदमी ध्यान करता है। सारी सारी पार्टियां करती मदद पहुंचा रहे हैं, 543 ऐसे सांसद हैं जो संसद में जाते हैं और हिंदुओं के वोट से जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर राम मंदिर के निर्माण में कोई भी सांसद बाधा बनता है संसद के अंदर, तो वो हिंदू समाज उसको जिता करके नहीं भेजेगी, ऐसा वातावरण देश में तैयार होगा। अच्छी बात है, नहीं नहीं, ठीक है। बीजेपी के नेता, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र लोकतंत्र में संघीय शक्ति कलियुग का आ गया है। आपने कैसे 100 करोड़ हिंदुओं के वोट को डिसाइड कर लिया, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? नकवी साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आप देख ही रहे हैं, और वोट की राजनीति अभी विजय शंकर तिवारी जी ने भी मान ही लिया है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद हो रही है, माहौल पूरा बनाया जा रहा है, लेकिन खतरे में कहीं ना कहीं, खतरे में कहीं ना कहीं, खतरे में कहीं ना कहीं, 543 सांसदों को जिताने की बात कर रहा हूं, खतरा पैदा हो रहा है। मंदिर का माहौल नहीं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गई यूपी से। देखिए, कुछ सच्चाइयों के साथ हमें रहना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का किस्ती है कि भाई हम जनवरी में इसको सुनेंगे। इस्माइल फारूकी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि एक नोटिफिकेशन आया था, एक्विजिशन हुआ था, उन्होंने कहा ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म है। तो अब जो बात लोग करते हैं अध्यादेश की, मैं नहीं मानता कि बात किसी भी सच्चाई धरातल पे है, लेकिन हाँ, इस मुल्क के अंदर ये एक बड़ा मसला है, संगीन मसला है, हमको सीरियसली बात करना होगी। हमें जज्बात में आगे कोई बात नहीं कहना जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। इकबाल अंसारी ने जो भी कुछ कहा ये उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन गिव एंड टेक होना चाहिए, मसला तय होना चाहिए, इसमें कोई
झंझट में, मंदिर बनना लेकिन चाहिए लेकिन लेकिन जी क्या चाहती हैं, मसला आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो फाइनलिटी होगी, लोग नहीं तय कर पा रहे। अरिस्टोटल ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा लोकतंत्र दरअसल भीड़ तंत्र है। हमने देखा 1992 में भीड़ तंत्र है। ये बात 20% लोग तो मंदिर में जा ही नहीं पाए, दलित लोग नहीं हो सकते। बात कर रहे हैं आप, कोई तर्क नहीं है, कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं आप यासर साहब, कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं? आपसे लोगों मौर्या ने पूछा कि क्या बहन जी मंदिर बनाने के लिए तैयार है, जो आप ये बात करेगा हमारा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप उसका जवाब, मंदिर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सवाल ये है यासर साहब, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर 20 करोड़ 25% दलित लोगों को तो मंदिर में जाने की इजाजत ही नहीं थी। नहीं नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, हम जो लोग उनके लिए एक नई मेहमान बीजेपी के नेता अनिल सिंह हमसे जुड़ गई है फोन लाइन पर। हम उन्हें लाइव लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों के आते हुए वो फोन लाइन पर हमसे जुड़ रही है। अनिला जी स्वागत है आपका इस बहस में, आप हमसे जुड़ी नहीं थी। मेरा पहला सवाल यही था कि अध्यादेश आए या ना आए, मंदिर बने या ना बने, 2019 के लिए माहौल पूरा तैयार है। अब आप बताइए, इकबाल अंसारी ने भी कह दिया है कि अध्यादेश से उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाने के लिए तैयार हैं? देखिए शोभना जी, शीतकालीन सत्र में अध्यादेश आएगा या नहीं आएगा इसके विषय पर अभी ये टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो एक चीज मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, और मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, और जो भी फैसला होगा मुझे पूरा विश्वास है आपकी सहमति के द्वारा होगा। ना मुसलमान खफा होगा, ना हिंदू दुखी होगा, ठीक है। पूरा पूरा एहसास है इस चीज पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अध्यादेश नहीं लाएंगे। आप कोर्ट, आप अध्यादेश पे जवाब दीजिए ना अनिला जी। अब तो आरएसएस भी कह रहा है कि जो धर्म सभा हो रही है अयोध्या में वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, तो क्या सरकार दबाव में है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपकी दोनों बातों का दोबारा उत्तर दे देती हूँ जी। आपने अध्यादेश के विषय में मुझसे पूछा था, तो उस पर मैंने कहा था कि अभी उसके ऊपर कोई भी गिनती करना अभी नहीं, मेरे द्वारा ये नहीं। देखिए इतने गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि 2019 के लिए विकास की क्या बात करें, युवाओं की बेरोजगारी की क्या बात करें, मरते हुए गरीबों की क्या बात करें, किसानों की क्या बात करें, सिर्फ मंदिर की बात। तो अब हमने भी डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ मंदिर की बात करेंगे और अब हम सरकार से जवाब लेकर रहेंगे कि मंदिर कब बनेगा, वही जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। अब तो इकबाल अंसारी भी कह रहे हैं, तो लाइए मैडम अध्यादेश। आप शोभना जी, आपके सारे प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, परंतु अगर आप प्रश्न करोगे तो मुझे उत्तर देने का समय भी दो सेकंड में ही। अगर आप मेरी बात को काट दोगे तो आपका एक भी नहीं, आप बोलिए मैम, एक मिनट है आपके पास, फिर मुझे हेडलाइन देनी है। आप मुझे जी उत्तर नहीं देने दे रही, कहूंगी कि अध्यादेश आएगा या नहीं आएगा उसके विषय में हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता लोग हैं वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत अधिक कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, आपने यहाँ पर यासिर जी बस मुझे हेडलाइन के लिए सुनने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। बोलिए अनिला जी, बोलिए, पूरी करिए अपनी बात। और दूसरी बात ये है शोभना जी, आप मुझसे राम मंदिर के विषय में चर्चा करेंगी, मैं राम मंदिर के विषय में चर्चा करूंगी। अगर आप अर्थव्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगी, मैं अर्थव्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी जी। कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है और सदैव हम इसके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बात बता दूं, विश्वास करवा देती हूँ कि ये जो मसला जो हल भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। साढ़े 4 साल हो गए, चलिए ठीक है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक नए मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, जय भगवान गोयल जी, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। फिलहाल रुकना पड़ रहा है, एक बार फिर से अनिला सिंह जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, बीएसपी के सपोर्टर है। विजय शंकर तिवारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद है। जय भगवान गोयल जी प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है। सैयद यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से है। जय भगवान जी, आप चर्चा में देरी
से जुड़े हैं, धर्म सभा अयोध्या में करने जा रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा रहा है, बताइए क्या है आपका जवाब? 2010 में ये फैसला आ चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के बेंच का जी, कि जिस जगह विवाद है वो जगह सिर्फ राम जन्मभूमि है, वहां कोई मस्जिद नहीं थी, ये बात हाई कोर्ट कह चुका है। 3 जजों में एक मुस्लिम जज भी थे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए, 8 साल से लगातार हम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, हमारा संत समाज, पूरा हिंदू समाज कोर्ट की राह देख रहा था, आज आए फैसला, कल आए, परसों आए, चौथे आए। 29 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ये मुद्दा हमारी प्राथमिकता में नहीं है, हम जनवरी में देखेंगे, बेंच बनाएंगे, क्या होना है, कैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह देखा जाएगा। तो इसको लेकर के पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। आज पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज इकट्ठा हुआ है, हो रहा है, और सबका यही एक भाव है कि अब हम कोर्ट के और इंतजार नहीं कर सकते, अब हमें राम मंदिर चाहिए, उसके लिए सरकार चाहे अध्यादेश लेकर के आए, चाहे सरकार कानून बनाए, हमें इससे कम कोई बात मंजूर नहीं है। इसलिए पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज इकट्ठा हो रहा है, और अभी एक ही बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, इसको लेकर के हम सब लोग हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हैं, और हम लोग चाहते हैं, आप लोग मंदिर तो बनाना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस पर मेरा कोई शक, कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि अचानक चुनाव से पहले ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई, कहीं ना कहीं क्या ऐसा ये सवाल उठना वाजिब नहीं है कि आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं किसी एक पार्टी को, हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश के रूप में इसको क्यों ना देखा जाए? 29 अक्टूबर को सबकी निगाह थी पूरे देश की, दुनिया की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देने वाला है, डे टू डे सुनवाई होने वाली है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मुक्त कह दिया कि यह मुद्दा हमारी प्राथमिकता में नहीं है। तो हमारे पास सवाल इसके कि अब सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, सरकार को चलिए ठीक है, मैं विजय शंकर तिवारी जी, अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है क्या करेंगे अब आप, क्या है अगला कदम आपका? काल्पनिक चीज है, ये काल्पनिक क्यों है? बड़ा सीधा सा सवाल है, सरकार नहीं ला रही है अध्यादेश, फिर आप क्या करेंगे? जब नहीं लाएगी तब प्रश्न करिए। तो क्या आप ये हिंदुओं से कहेंगे कि वोट मत दीजिए? नहीं लाएगी तब प्रश्न करिए। अभी तो ला रही है। क्यों अनिला जी ने अभी आपके सामने फोन पे कहा कि इसकी बात मत कीजिए? मैंने शोभना सुनिए, मैं बताता हूँ शोभना, जिस दिन 25 तारीख की जनसभाएं होंगी और 9 दिसंबर की दिल्ली में जनसभा होगी, तो आवाज बदलनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कहता हूँ जीत कर नहीं जा पाएंगे अगर राम मंदिर के संदर्भ में बात नहीं करें, संसद के अंदर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं से ये अपील कर रहे हैं कि 2019 से पहले अगर मंदिर नहीं, किसी भी पार्टी का सांसद नहीं हुई, तो वोट मत दीजिए बीजेपी को, ये अपील कर रहे हैं आप? बोलिए, आज अपील करने की जरूरत नहीं है, आज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का ये भाव है, हमें अब सिर्फ राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर। अनिला जी, फंसती हुई नजर आ रही है सरकार, जिन संतों के दम पर, जिस राम मंदिर के मुद्दे पर आपने सरकार बनाई थी, हालांकि 2014 में मुद्दा विकास था, लेकिन 2019 आते आते ये मंदिर पर आ गया है, क्या लग रहा है सरकार के लिए? परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है, चुनौती आ गई है सामने, संत समाज, आरएसएस, वीएचपी सब आपके सामने खड़े हो गए हैं। शर्मा जी देखिए, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं आई है, उसी साथ ये है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि अध्यादेश आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा कि ये मैं छोटी कार्यकर्ता हूँ, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, हमारे जो शीर्ष नेतागण है। पर मैम, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप जरूर, आपने बात पूरी करने दिया, मैं आपसे, मैं तो सवाल आप ही से पूछूंगी, प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं मेरे शो में कभी, नहीं नहीं, अगर मैं आपको बोलने लगूंगी आपकी बात भी मैं उसको नहीं सुनाई देगी। आप मुझे 5-10 सेकंड तो दिया करें, ठीक है, बोलिए मैम, बोलिए। और दूसरी देखिए, आज सुबह सुबह बिल्कुल मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ, बहुत ही शुद्ध में आज ईदन मिला के निकले। चलिए बोलिए मैम, पूरी करिए, आज ईदन मिला के नबी का दिन है, बहुत ही शुद्ध है, बोलिए मैम जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि वो राजनीतिक दल जो अपने आप को छुपाते हैं वोट बैंक की राजनीति के पीछे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसा दल नहीं है। और मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगी, शोभना जी, आपके सामने ऐसा फैसला आएगा, ना तो हिंदू दुखी होगा, ना मुसलमान, दोनों लोग खुश होंगे, और मंदिर भी बनेगा। साजिद रशीदी साहब, ना हिंदू दुखी होगा, ना मुसलमान दुखी होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या करेंगे, मस्जिद कहीं और बना लेंगे, लखनऊ में बना लेंगे? शिया वक्फ बोर्ड तो पहले ही कह रहा है,
ये कैसे रास्ता निकलेगा कि ना हिंदू दुखी होगा ना मुसलमान दुखी होगा। मिसाल है जी, लोग सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, गांव देहात की एक मिसाल है जी कि रोई न कपास जुलाही जुला ठेंगम ठेंगा ना कहीं राम मंदिर बन रहा है और ना कहीं अध्यादेश आ रहा है, लेकिन चैनल वालों को एक एक मुद्दा मिल गया है बहस करने का। सरकार खामोश है, मतलब उंगली आपने सरकार की पार्टियां खामोश है, इनको तारीख में जो जनसभा करने जा रहे हैं, हमें ही फंसा लिया सर। नहीं सुन लीजिए, हम तो आपसे आपकी राय मांग रहे हैं, क्योंकि अगर इकबाल अंसारी साहब सामने आ गए हैं तो फिर तो अध्यादेश आए और मंदिर बने। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अरे कहाँ आगे आगे हैं, क्या हैसियत थे इकबाल अंसारी की? क्या बात कर रहे हैं, एमपी है, मिनिस्टर है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं नहीं, कोई हैसियत नहीं है अध्यादेश में, अपनी अध्यादेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये 60 साल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, लेकिन अध्यादेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सुन लीजिए आप बात, दूसरी एक चीज सुन लीजिए, फंस गए तो आपने करेक्ट कर लिया। अध्यादेश लाने के कुछ नियम कानून होते हैं जी, ठीक है सैयद यासिर जिलानी साहब। देखिए मैं कैसे फंस गया भाई, बात मौलाना बात कर रहे थे, फंस गया आप भी अवेश की बात कर रहे थे, अचानक से वो इकबाल अंसारी की हैसियत पे चले गए। तो आप बताइए ना, जो मौलवी हजरात चैनलों पे अपनी छाती पीट पीट के उसका अपोज कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? कम से कम वो तो पक्षकार है। मेरा सवाल यहाँ पे सुन लीजिए सोमना जी, सबसे बड़ी बात है जो आज के डेट में आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आप एक दल को भूल जाते हो जो जनेऊधारी हिंदू बन के पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। उनका मत क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो मंदिर बनाने के लिए कब बोल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है मंदिर बने, बड़ा सवाल क्या लड़ाई झगड़ा करके बने? अरे सुबह सुबह झूठ बोलना शुरू कर दिया, जब लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे आप झूठ बोलने लगते हैं, आप अल्लाह का नाम लेते हैं, सुबह सुबह आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। आप सच जब तक सच बोलते हैं, आप धर्म गुरु होते हैं, मुसलमान जब झूठ बोलना शुरू करते हैं, आप नेता होते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, मंदिर बने या मस्जिद बने, क्या लड़ाई झगड़े की कॉस्ट पे बनना जरूरी है? क्या दंगे कराने में आप रहते हैं? आप अपनी डिबेट करके शर्मिंदा हो जाएंगे? कौन आप अखबार अंसारी की हैसियत लगे? आप अपनी डिबेट पिछले 6 महीने की उठा के देख लीजिए, आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। आप इस तरह की बात मत किया करें। हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया के वो लोग हैं जो एक एक चीज रिकॉर्ड रखते हैं कि कब किसने क्या बोला है, करने की नहीं है। इन बातों में सरकार का निजी अधिकार क्षेत्र है, आप ये कहें कि आप एक राय शुमारी अगर तैयार कर रहे हैं उस छोटी सी जमीन के लिए, उस जमीन के टुकड़े के लिए जो आप कहिए कि गिफ्ट दे दें, मैं कौन हूं के अंदर सरेंडर कर दें? आगे आगे कहो ना महाराज, अध्यादेश बनाओ, मंदिर खड़े होते हैं साथ में, कोई ये बात कहते आप मुनाफिक लोग हैं, आपके पास जमीन का टुकड़ा है, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास, आप मुनाफिक लोग हैं, आपके बड़े रोड़ा है, इस केस के सबसे बड़े रोड़ा आप मुनाफिक लोग हैं, आपकी जमीन का टुकड़ा है, उनकी इतनी भी विमर्श अति मत कीजिए, अति बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कोई नेता किसी भी चैनल पे क्यों नहीं राम मंदिर के मुद्दे पर बात करता है? मुस्लिम तो है, सबसे बड़े रोड़ा मौलाना है, कोई पक्षकार है, सबसे बड़ा रोड़ा कोई है? सैयद यासिर जिलानी साहब, सैयद यासिर जिलानी साहब, चलिए कांग्रेस तो आती नहीं, बात ही नहीं करती, आप तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, हम बात सिर्फ बात ही कर रहे हैं। देखिए मुझे कोई राम मंदिर नहीं जाके बनाना है, राम मंदिर राम मंदिर विराजमान को बनाना है, वही अखाड़े को बनाना है। हम तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जो भारत की तहजीब है, जो भारत की गंगा जमनी संस्कृति है, उसके हिस्सा बन के हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों बार बार कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां देख रहे हैं जो बात कर रहे हैं, इस तरह की गलत बात कर रहे हैं आप लोग, आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, तिवारी जी कुछ कहना चाहिए।
कहना चाहते हैं? मैं कह रहा था कि कानून प्रेशर के द्वारा बनाया जा रहा है, दबाव देके बनवाया जा रहा है, दबाव देके बात की जा रही है। एक दूसरा पक्ष भी दबाव डाल सकता है, ये रशीदी साहब भी कह सकते हैं, दबाव डाल करके अपने मुस्लिम पक्ष से कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है उसको वापस ले लो, वापस लेते ही समस्या समाप्त, फिर कानून की समस्या ही नहीं रहेगी, कानून बनाने की दबाव की बात नहीं रहेगी। जमीन देने के लिए तैयार है, सरयू के पास मस्जिद बनाइए ना, कहीं सारे हिंदू रुक जाइए भाई खड़े हो जाएंगे। जिलानी साहब जवाब देने दीजिए, बताइए मौलाना साहब, मौलाना साहब क्या आप अपने समाज, क्योंकि आपका समाज तो ऑलरेडी दो हिस्सों में बटी गया है, जो शिया वक्फ बोर्ड है वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद हम लखनऊ में बनाने के लिए तैयार है, तो आप अपने समाज को मनाइए और कहिए कि जमीन दे दीजिए, आपके लिए मक्का मदीना तो है ही सर वो जमीन, झगड़े को सुलटाइए ना सर, खत्म कीजिए इस मुद्दे को ताकि हम लोग विकास की बात कर सकें, हम युवाओं की बात कर सकें। सुनिए सरयू, अरे सुनिए जी, सुनिए 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 जी सुनिए, ये सरयू पार मूर्ति तो लगाने की बात कर नहीं रहे, इलाहाबाद पहुंच गई वो मूर्ति, किस मुंह से बात कर रहे हैं मंदिर बनाने की, सरयू पार मूर्ति लगने की वो इलाहाबाद पहुंच गई। साहब मेरा सवाल, इलाहाबाद से वो लखनऊ आ जाएगी, लखनऊ से दिल्ली आ जाएगी, जिम्मेदारी शर्म तो आती नहीं है, जो चाहे बकवास करते हैं शहर में बैठ के, अरे आप भी तो बकवास करते हैं, याचिका वापस कराने के लिए दबाव बनाइए ना, आप धर्म गुरु है, आप धर्म गुरु है कि नहीं है ये बताइए, आप धर्म गुरु है, मैं क्यों धर्म गुरु है, क्या जवाब बनाइए साहब, आपको कही याचिका वापस ले ले, कब तक लड़ाई, कब तक लड़ाएंगे हिंदू मुसलमान को, विकास रखेंगे, कब तक विकास से वंचित रखेंगे मुसलमानों को। यासिर गिलानी साहब आपसे विनती है, थोड़ा शांत हो जाइए, नकवी साहब, नकवी साहब आप लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मंदिर देंगे, ऐसे कैसे मंदिर बन जाने देंगे, मैं यासिर गिलानी जैसा मुनाफिक आदमी तो हूं नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, पक्का देखिए 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 मुसलमान है ना, आप है मुनाफिक, आप है मुसलमान, आप हो रशीद, आप है मुसलमानों के, आप आओ आगे कहेंगे मुसलमान से बात करने के लिए, आप करो चैनल पे, आप बात क्या करते हो, आप वापस आए, आप विनती है आपसे मेरी हाथ जोड़ के, नकवी साहब एक मिनट रुक जाइए, अब मेरा सवाल नकवी साहब से, एक मिनट मेरा सवाल आपसे ये है नकवी साहब कि आप लगातार कह रहे हैं ऐसे कैसे जमीन छोड़ दें, ऐसे कैसे मंदिर बन जाने दें, एक मिनट सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, बताइए ये आप एक बीएसपी सपोर्टर की तरह बात कर रहे हैं या एक मुसलमान होने के नाते बात कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए, आपका क्या स्टैंड है एक नागरिक होने के नाते, वो मुझे देखिए बिल्कुल, देखिए मैं जनरल कॉमन पीपल की बात करूंगा बिल्कुल ईमानदारी से, हाँ। देखिए हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, हमारे भाई ने बात कही कि एक हिस्सा दे दिया गया है, अब जो हिस्सा ये और उस हाई कोर्ट जजमेंट में ये माना गया है कि ये साबित नहीं हुआ कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, देखिए बिल्कुल हम लीगल फ्रेम में बात करते हैं, हाई कोर्ट ने नहीं माना उस रिपोर्ट को, हाई कोर्ट देखिए तो नहीं, अरे अच्छा क्यों दे दिया मस्जिद से, अरे भाई नहीं 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 माना है, देखिए देखिए हम फिर मिलेंगे, मैं जजमेंट लेके दिखा दूंगा आपको, स्पष्ट कहा है नहीं वहाँ कभी मस्जिद नहीं थी, आप कुछ मैं आपको राम कर राम जन्मभूमि ही है, तीनों जजों ने पहले क्या कहा, तीनों जजों ने पहले क्या कहा, जो बाकी हिस्सा है वो आप लेंगे ना या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, या जो बाकी हिस्सा है वो आप लेंगे ना या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, या आप उनसे मुसलमानों से मांगेंगे कि आप हमें हिस्सा दे दीजिए, मांगिए ना, छीनिए मत, मांगिए और हमारा है, अगर मांगे से नहीं मिलेगा छीन के लेंगे, अब हमको वहाँ तो राम मंदिर नहीं बनना है, मांगे से मैं छीन के लेंगे, हमें आधी बात आप सुनना नहीं चाहते, बहुत इंतजार कर लिया, सुनना नहीं चाहते, 500 साल से इंतजार कर रहे हैं, 1528 से हिंदू समाज इंतजारी तो कर रहा है, होना चाहिए 1500 साल से हिंदू समाज इंतजारी तो कर रहा है, कर क्या रहे हो, तो देश की इज्जत क्या, 5 लाख लोगों ने बलिदान दे दिया राम जन्मभूमि के लिए पिछले 500 साल में, तो बलिदान में गए हैं ना सभी लोग, मरे हैं 8 साल से फिर इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई इंतजारी करते रहेंगे, सबका बलिदान है, सभी का बलिदान है, चाहती है
सारे राजनीतिक दल यही चाहते हैं लड़ाई की बात अखबार चला गया चोरी हो गई। एक मिनट जय भगवान जी, आपको पता है एक मिनट रुक जाइए, पैसा लूट गया। एक मिनट रुक जाइए जय भगवान जी, क्या आपको पता है कि जो गांव में प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंगों की क्या हालत है? वहां पे टीचर्स नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है। हमारी जो बच्चों की जो नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन है वो किस हालत में जी रही है, और आप लोग ऐसे मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, राम मंदिर पे बड़ा बयान, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया है, लीजिए लड़ाई खत्म कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ये कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को ये समझना पड़ेगा कि जिस सरकार को आप लेके आए हैं वो संविधान से चलेगी, वो आपके दबाव से नहीं चलेगी। ये साफ कर दिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये साफ कर दिया कि देश संविधान से चलेगा, किसी दबाव से नहीं चलेगा। खास तौर पे मोदी सरकार संविधान को ही फॉलो करेगी, संविधान को ही मानेगी। बोलिए जयशंकर जी, अब इस बयान पर आप क्या कहते हैं? मैं दोबारा कहता हूँ अगर कानून संसद में नहीं आता है तो, और राम मंदिर नहीं बनता है तो, जो लोग सांसद हिंदुओं के वोट से जीत करके आते हैं संसद के अंदर जीत करके नहीं जा पाएंगे, जो पहले कहा था वही अब। मतलब 2019 से बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी ये बोल रहे हैं? क्या मतलब सही मुसलमानों को जिताओगे क्या? सरकार बनती है सांसदों से, ठीक है। अरे विजय शंकर जी, मुसलमानों को जिताओगे क्या? देखिए कोई मुसलमानों को जिताते जरा फिर आते हैं543 सांसदों में मैंने कहा हिंदुओं के वोट से जीत कर जय भगवान जी जिलानी भी हो सकते हैं। एक मिनट जय भगवान जी, अब जवाब दे दीजिए, अब क्या करेंगे प्रभु? आप मुसलमान पहले मंदिर नहीं बनेगा, आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे के पीछे आप सब मिले हुए हैं, क्या मेरा ये आरोप गलत है? 25 तारीख को पूरे देश में 3 मीटिंगें होने वाली हैं जी, अयोध्या जी में, बेंगलोर में, नागपुर में। 9 दिसंबर को लगभग 5,00,000 लोगों की संतों के मीटिंग होने वाली है जी। संत समाज का अब एक ही लक्ष्य है कि जो भी कोई संगठन जो भी कोई दल मजबूती के साथ अध्यादेश लेकर आएगा वो लोग सपोर्ट करेंगे, उनको ही वोट दी जाएगी आने वाले चुनाव में। अगर आप में इतनी ईमानदारी है तो अपील कीजिए ना हिंदुओं से कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है, नहीं बन रहा है मंदिर। हिंदू इंतजार कर रहा, अभी समय है, आपकी सरकार का गृह मंत्री कह रहा है तो कहिए ना ये बात, अभी समय है। अगर समय के रहते अध्यादेश नहीं लाया समय तो नून नहीं बना, कहां समय है? संत 2019 के चुनाव में साल भर भी नहीं बताए सर, कहां समय है? चलिए ठीक है, आप लोगों का सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए। मंदिर बने या ना बने, अध्यादेश आए ना आए, माहौल पूरा तैयार है। इसी नोट पर मैं इस पहली बहस को खत्म करूं।